डंकी पर चढ़ा मधुबनी का वीरू, माता पिता को बताया शादी के राह में रोड़ा, पुलिस से लगाई मोहब्बत के मुकम्मल करने की गुहार। जी हाँ, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मधुबनी के वीरू से, जिसका असल नाम है प्रकाश कुमार। इस प्रेमी ने शोले फिल्म के उस सीन को दोहरा दिया है और अपनी मोहब्बत की खातिर पानी की टंकी पर चढ़ गया। सुपौल के निर्मली अस्पताल के समीप पानी की टंकी पर देर रात चढ़ा प्रेमी प्रकाश कुमार आखिरकार पुलिस के मनाने पर मान गया है और अब उसे नीचे उतार कर थाने लाया गया है। दरअसल देर रात मधुबनी जिले के अंद्रामठ थाना इलाके में विक्रम शेर गांव का रहने वाला प्रकाश टंकी पर चढ़ गया। वो अपने ही गांव की एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता है, पर इस प्रेम में उसके माता पिता रोड़ा बन रहे हैं, जिससे आहत प्रकाश कल देर रात निर्मली के अस्पताल के समीप पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसके बाद उसे समझाने में पुलिस के हाथ पैर फूल गए। लेकिन प्रकाश पानी की टंकी से पूरी रात नीचे नहीं उतरा, जिसके बाद आज उसकी फुआ के पहुंचने पर वो नीचे उतारा गया, जिसके बाद 12 घंटे से जारी हाई वोल्टेज ड्रामा समाप्त हो गया। ऊपर क्यों चढ़े थे? ऊपर चढ़े हुए थे रीना से हम शादी करने के लिए। किससे शादी करनी है? रीना कुमारी से। क्या मामला क्या है? मामला यह है कि मेरा गार्जियन दोनों आदमी को अलग करवा दिया था, उसका गार्जियन हम दोनों को शादी भी करवाया हुआ है। तो पानी टंकी पे चढ़ने से शादी हो जाएगी? पुलिस प्रशासन अगर चाहेगी तो हो सकती है। 12 घंटे से टंकी पर ही थे जी। फिर बाथरूम वगैरह कैसे गए? नहीं, वो सब। कितने दिनों से प्रेम चल रहा है? 6-7 साल। लड़की भौकी ही है? ये प्रशांत कुमार नाम का लड़का है, जो पानी टंकी के ऊपर जो सीढ़ी के माध्यम से चढ़ गया था, तो जिसे समझा बुझा करके उतारा गया है और इससे पूछताछ किया जा रहा है कि ऐसे काहे से किया था इनके द्वारा। कुछ बताया है? अभी पूछताछ की जा रही है। मैंने 12 घंटे के बाद रेस्क्यू कर लिया गया, ये ना?